नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज का खास कार्यक्रम एस्ट्रो एक्सरे और मैं हूं विनीता मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीपति त्रिपाठी जी। श्रीपति त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो भी दर्शक हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी को एक बार हम फिर से बता दें कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल करें 8800454162 पर और पंडित जी से बात करके सरल उपायों से आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, बल्कि हमारा दुश्मन हमारे ग्रह गोचर ही होते हैं। अगर हमारे ग्रह सब कुछ सही है तो हमारा कोई भी इंसान हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। तो आप अपने ग्रह गोचर को ठीक करने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ें और कोई भी परेशानी हो तो हमें कॉल करें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशिफल की, कि आज मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा कार्यों में विलंबता वाला है। आज आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रखें। अगर किसी भी काम में थोड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ा विघ्न आ रहा है या आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी निरंतरता उसमें बनाए रखें। चूँकि आपके राशि के स्वामी चतुर्थ स्थान में नीच राशि में है, तो आपको या माता जी को रक्त संबंधित थोड़ा विकार हो सकता है, या आप अनामिक हो सकते हैं या पहले से अनामिक होंगे, तो इसके लिए अच्छे से विटामिन का पूरा प्रयोग करें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और संभव हो तो गुड़ और गेहूँ जो है वो लाल गाय को खिलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। अगर यह करते हैं तो आपको लाभ के योग बनेंगे। इन सरल उपायों से मेष राशि वाले आज आपका दिन बेहतर हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर बनने वाला है। आपके राशि के स्वामी छठे स्थान में है। लिखा हुआ है कि लगने से खस्ते यस्य सिंह तुल्य पराक्रमी। आज आप अपने पराक्रम से, साहस से कार्यों को अनुकूलता देंगे, उन्नति होगी। समय जो है आपके पक्ष में है, उन्नति वाला समय चल रहा है। लेकिन अपरिचित लोगों से, बाहरी लोगों से, नए लोगों से संबंध बनाने से बचें, या किसी भी प्रकार का ज्वाइंट वेंचर में कोई काम करना चाहते हैं तो संभल के रहें। रोग थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। अनुकूलता के लिए आज के दिन आप चाहे तो गुनगुना पानी आप ग्रहण करें और आगे बढ़ें। तो थोड़ी सी केयर की जरूरत है वृषभ राशि वालों को, बाकी उनका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय आज के दिन को उनका बेहतर दिन बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी बेहतर बना हुआ है। आज के दिन माता पिता का सुख प्राप्त होगा, दोस्तों से मुलाकात होगी। आज जो है आपका मन मनोविनोदी हो सकता है, समय अनुकूलता वाला बना हुआ है, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है, थोड़ा कार्यों पे निकले, समय काफ़ी बेहतर चल रहा है। अनुकूलता के लिए शुद्ध दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर ग्रहण करें। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर रहने वाला है। बस कुछ उपायों की जरूरत है और कुछ उपाय करके आप आज के दिन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल करें 8800454162 पर और पंडित जी से, श्रीपति त्रिपाठी जी से बात करके आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हमारे जो खास कार्यक्रम में अभी हम राशिफल की बात कर रहे हैं, लेकिन राशिफल के बाद हम एक ग्रह है मंगल ग्रह की बात करेंगे कि मंगल ग्रह अगर हमारा अच्छा हो तो हमें क्या कुछ परिणाम देता है, अगर मंगल ग्रह खराब हो तो हमें किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, और साथ ही साथ हम आपको मंगल ग्रह ठीक करने के उपाय भी बताएंगे। तो अभी वक्त है राशिफल का, तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर है। आज के दिन आप नए परिधानों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे और नए परिधान खरीद सकते हैं। आज आप ब्यूटिक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, सुंदरता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला, थोड़ा आराम तलबी वाला है। आज के दिन आप घर पर ज़्यादा समय देना पसंद करेंगे। अनुकूलता के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। तो कर्क राशि आपके लिए सूर्य भगवान आपके आज के दिन को बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन धनदायक बना हुआ है। आज के दिन मान सम्मान वाला बना हुआ है। आज आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन खास ध्यान देने योग्य बात यह है
कि आप अपने आंखों पे ध्यान रखें। आज आपके आंखों में चोट लग सकता है, आंख में थोड़ी परेशानी आ सकती है या आंख से थोड़ा सा पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप अपने आंख की रक्षा करें और नज़दीकी डॉक्टर से निश्चित रूप से संपर्क करें। धनदायक समय है, उन्नति वाला, लेकिन थोड़ा आरिष्ट लगा हुआ है। अनुकूलता के लिए गुड़ जो है थोड़ा गंगा जी में प्रवाहित करें। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण चौधरी दरभंगा से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या कुछ सवाल हैं आपके? बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, प्रवीण बोल रहे हैं दरभंगा से। हाँ जी प्रवीण जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बाबा जी। बाबा जी एक समस्या है कि बिजनेस नहीं चल पा रही है। एक साल पहले मसाला का बिजनेस खोले, अभी बहुत लॉस में जा रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ उपाय हो पाएगी बाबा जी? तो आप जो है पहले माता रानी को प्रणाम करके एक से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक अंक बताइए। आवाज कट रही बाबा जी आपकी। मैंने कहा आपने सुना? आप जो है आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं? हेलो, आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं? पेन पेपर है आपके पास? प्रवीण आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं बाबा जी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। श्रीपति त्रिपाठी जी की आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं नहीं बाबा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। फिर से आप अपने सवाल एक बार फिर से आप दोहराइए। हेलो जी प्रवीण, हम सुन पा रहे हैं अपने सवाल, आप एक बार फिर से पूछिए। बाबा जी मैंने मसाला का उद्योग लगाया था एक साल पहले, उसमें बहुत लॉस में जा रहा है बाबा जी। कुछ समस्या बताइए कि उसके लिए क्या उपाय हो पाए। इनके मसाले के बिजनेस में इनको लॉस हो जा रहा है श्रीपति त्रिपाठी जी, तो क्या कुछ उपाय इनके जो बिजनेस है उनको सफलता दे सकता है, तरक्की दे सकता है? जी प्रवीण जी, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक से लेकर 108 के बीच में कोई एक अंक बताइए। बाबा जी की आवाज एकदम नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं प्रवीण जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, आप प्रॉपर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह नवरात्र आ रहा है, यह 9 दिनों का है और 9 ग्रहों की अनुकूलता के लिए नवरात्र होता है। आपके कोई भी ग्रह अगर रुष्ट हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हो, तो जैसे सूर्य की रोशनी मिलती है और सारे ग्रह जो रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों में 9 ग्रह की प्रॉपर्टी है, वैसे ही ये नवरात्र है, यह 9 ग्रह को बेहतर करने के लिए आप नवरात्र में उपासना करें, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उसमें सभी मंत्रों के धन के लिए भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लिष्ट नहीं एकदम सरल मंत्रों का आप पाठ करें, संभव हो तो इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इसी मंत्र से माता को, अगर ज़्यादा आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है या आप चूँकि माता जो है भाव ग्रहण करती हैं, तो आप उनको सभी चीज़ इसी मंत्र से चढ़ाइए और नवरात्र में पूजा पाठ कीजिए। देखिए आपके बिगड़ते हुए जो कार्य है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जय माँ। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली राशि की कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर बना हुआ है। आज आप अपने आप को काफी उर्वरक महसूस करेंगे, काफी बेहतर महसूस करेंगे। कार्यों को अपने भुजबल से, अपने विवेक से अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और वह कार्य भी पूर्ण होगा। समय अनुकूलता वाला है आज के दिन। थोड़ा अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं और समय देते हैं तो थोड़ा समय पर पहुंचने का प्रयास करें। समय वृद्धि वाला है, उन्नति वाला है, लाभ वाला बना हुआ है। केवल अनुकूलता के लिए आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा पाठ करें। कन्या राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा उनके जिंदगी को और बेहतर कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात करते हैं कि तुला राशि वालों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय आज के दिन को उनका बेहतर दिन बना सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला हुआ है, लेकिन खर्च की अधिकता बनी हुई है। आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके इष्ट मित्र आपको बेहतर करने के लिए चिंतित हैं। आप थोड़े से परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पानी जैसे ऊपर से गिर रहा है और नीचे गार्बेज के पास आके रुक जाता है, नीचे पानी आता ही नहीं है, वैसे ही आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा। आप अच्छे से प्रयास करें, सकारात्मक प्रयास करें, झूठ का सहारा ना लें, माता पिता से सही चीज़ों को उनके सामने परोस दें, उनके सामने बताएं, देखेंगे काम बनता हुआ नजर आ रहा। अनुकूलता के लिए आज के दिन श्वेत वस्तुओं का, श्वेत चंदन, रसगुल्ला आज माता रानी के मंदिर में दान दें।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े और अपने ग्रहों को चाल को आप सुधार सकते हैं। तो श्रीपति त्रिपाठी जी से बात करें और जो भी आपके ग्रह चाल आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो भी परेशानी है, आप उसे निजात पा सकते हैं। तो हम बात करें थे राशि फल की, बढ़ते हैं अगली राशि की और बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य में थोड़ा परेशानी वाला है, बिना विघ्न का काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी सी परेशानियां होंगी, बिना विघ्न का आपका कोई भी काम नहीं होगा। आप देखेंगे जो काम बिल्कुल सरल तरीके से कर लेते थे, जो काम आप फोन पे कर लेते थे, उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो भाग्य का थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है। इसके लिए आपको अभी जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें विष्णु भगवान की आराधना, पूजा पाठ, आराधना करने से अनुकूलता की प्राप्ति होती है। आप ये पूजा करें, आप देखें आपको लाभ मिलेगा। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक गया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत विवेक आपका, क्या कुछ सवाल है आपके भी? जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, क्या प्रश्न है आपके महोदय? जी विवेक, आप अपने सवाल श्रीपति त्रिपाठी जी से पूछिए। जी, हम कोई भी काम करते हैं तो मेरा काम सफल नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक अंक बताएं। 1 to 108 के बीच में कोई भी एक डिजिट आप मुझे बताइए। 7। आपने 7 कहा। आप एक और काम करिए, आपके पास पेन एंड पेपर है क्या? जी हाँ। आपके पास है? जी हाँ। कोई भी 4 अंक अपने मन से 0 छोड़ के और 1 समान छोड़ के कोई 4 अंक लिखिए। विवेक सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ लिख लिए। आप उसको रिवर्स कीजिए, आप जब बहुत विलंब कर रहे हैं, आप लाइव कार्यक्रम में हैं, आप थोड़ा तेजी में करें इसको, आप रिवर्स करें। कर लिए। रिवर्स वाले से नीचे वाले को माइनस कीजिए। ओके। कोई 4 डिजिट आया नीचे? जी हाँ। उसमें से कोई एक को सर्कल बना लीजिए माता रानी को प्रणाम करके। ओके, अब जो सर्कल बनाया है वो नहीं बताना है, उसके अलावा 3 अंक बताइए। उसके अलावा 3 अंक जी। 2 7 5। हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। 2 7 5। देखिए आपने पहले 7 बताया था तो ये बता रहा कि अभी जो आपका समय चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कार्यनाश हो जा रहा है और बेहतरी देखने को नहीं मिली। आप क्या जानकारी चाह रहे हैं? इनके कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, जो भी काम में हाथ लगाते हैं इन्हें असफलता मिलती है। जी आपने जो सर्कल बनाया वो 4 है? जी 5 है। जी 5। नहीं आपने हिसाब गलत किया, आप एक बार चेक कर लिए। आपने मुझे बोला है 2 7 5 जी। गलत नहीं, वो गलत आपका हिसाब है, चेक कर लीजिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए समय आपका ठीक नहीं चल रहा है और इस पे काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इनका प्रश्न क्या था? इनकी जिंदगी में परेशानी है, कोई भी काम करते हैं तो काम नहीं बन पाता है पंडित जी, असफलता हाथ लगती है। तो आप अच्छे से प्रातःकालीन उठ के सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का आप जप कीजिए। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, जन्म पत्रिका अपने पास रखें, आपको जब बताया जाएगा उस समय बताएगा आपको और लाभ दिया जाएगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो आप हमें कॉल करें और अपनी परेशानियों से निजात पाएं। त्रिपाठी जी से बात करके उनके सरल उपायों से आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूलता वाला है, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। थोड़ी खर्च की अधिकता बनी हुई है, आपके रखे हुए पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपको परिजनों को लेकर थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है जिसका असर आपके कार्यों पे पड़ेगा और उसको लेकर आप परेशान भी हैं। आप माता पिता पे ध्यान दें, साथ ही अपने कार्यों पे ध्यान दें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ी खर्च की अधिकता पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अनुकूलता के लिए माता रानी की पूजा करें। गेहूँ और गुड़ आज के दिन
लाभदायक को खिलाए। तो हमारे कॉलर हमारे एक खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम पटना से जुड़ गए हैं। जी गौतम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्या कुछ प्रश्न हैं आपके? जी मैडम, मैडम जी मुझे बहुत परेशानी है, कब तक नौकरी होगी? कब तक इनकी नौकरी होगी त्रिपाठी जी? जी श्रीमान, 1 से लेकर 108 के बीच में एक अंक बताएं। 5। फिर रिवर्स वाले से पूछा जाए। जी आप 1 से लेकर 129 के बीच में कोई 4 डिजिट लिखिए। इसको कर लिया आपने, अब इसको रिवर्स कीजिए, नीचे लिखिए, इसको जो रिवर्स करके उसके ऊपर लिखना है जो लिखे हैं। सो लिख लिया आपने गौतम? सर लिख लिया, हुई रिवर्स किया आपने? कर रहे हैं सर। देखिए आपका समय ज्यादा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने जो प्रश्न किया है, आपने 5 बताया है, यह बता रहा है कि जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपको परेशानियां बनी हुई हैं, उसमें कार्य सिद्धि होने के योग हैं। आप जैसे निरंतरता अपनी बनाए रखे हैं, आप अच्छे से प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, रिजल्ट आपको मिलेगा और कार्य सिद्धि होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो अब इस प्रोग्राम में वक्त है आगे बढ़ने का और बात करते हैं राशिफल की। तो बढ़ते अगली राशि की ओर, बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए मिला जुला हुआ है, थोड़ी खर्च वाली स्थिति बनी हुई है। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, शिक्षण कार्यों में आगे बढ़ेंगे और वहां से लाभ मिल सकता है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आप अकारण मानसिक परिस्थितियां जो हैं अपने विपरीत करने का प्रयास करेंगे, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। समय उन्नति वाला है, बेहतरी वाला है। अच्छे से माता रानी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में करें, साथ ही अभी लक्ष्मी नारायण की आराधना पूजा पाठ से आपको लाभ मिलेगा। तो बढ़ते अगली राशि की ओर, बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से प्रचुर धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता पिता के सेहत को लेकर थोड़ी परेशानियां बन सकती हैं, लेकिन आप भी अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखें, घर से कुछ खा के निकले, अन्यथा पेट संबंधी थोड़ी परेशानी होने के योग है। व्यवसायिक अगर हैं, छात्र वर्ग हैं या नौकरी पेशा वर्ग हैं, आज के दिन तीनों लोगों को लाभ के योग बन रहे हैं, समय उन्नति वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहने वाला है, बस कुछ सरल उपायों की जरूरत है, उपाय करें और अपने दिन को और बेहतर बनाएं। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग से बेहतर रहने वाला है, उन्नति वाला बना हुआ। आज के दिन आप बेहतर करेंगे, नए प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। समय जो है अनुकूलता वाला बना हुआ है, आप आगे बढ़ें, सकारात्मक प्रयास करें। शिक्षण कार्यों से अगर जुड़े हुए हैं या आप लेखनी से जुड़े हुए हैं या आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप लाभ पाएंगे। अनुकूलता के लिए आज के दिन हल्दी और केसर अपने फोरहेड पर लगाएं, अपने ललाट पर लगाएं और दूध में सोते वक्त थोड़ा सा हल्दी या केसर डालकर उसे ग्रहण करें। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, छाया धनबाद से जुड़ गई हैं। जी छाया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ प्रश्न हैं आपके त्रिपाठी जी से? प्रश्न ये है कि मेरे मतलब जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ, मैं बहुत मतलब स्टार्टिंग से ही मैं परिस्थिति से घर की मतलब परिस्थिति से परेशान हूँ, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। आप छाया जी 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक अंक बताइए। 1। हेलो हेलो जी छाया जी, जैसा कि श्रीपति त्रिपाठी जी ने कहा कि आप कोई भी 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक अंक बताइए। हाँ ठीक है, 6। जी त्रिपाठी जी, इन्होंने 6 चुना है। इनकी परेशानी जो परेशान है, कौन से उपाय इनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं? जी छाया जी, अभी आपने जो यहाँ पे अंक बताया, ये बता रहा है कि आपको कार्य सिद्धि होने के योग हैं। आपको लाख परेशानियां बन रही हैं, आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रही हैं, आपको ज्यादा दिन परेशान रहने की जरूरत नहीं है। अनुकूलता के लिए मंगलवार के दिन से यह नवरात्र आ रहा है, नवरात्र के दिन से शुरू करें, या मंगलवार के दिन से अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, पूरे घर में
हनुमान जी की आरती करते हुए हुमात दिखाएं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा वास हो गया है, इसी कारण थोड़ी परेशानियां बन रही हैं, अदरवाइज आपको लाभ मिलने के योग हैं। तो अब तो बात हो गई राशिफल की, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी कोई समस्या हो तो श्रीपति त्रिपाठी जी से बात करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। त्रिपाठी जी, हम राशिफल की तो बात कर लिए, लेकिन अगर ग्रह गोचर की बात करें तो ग्रह हमारे जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अगर ग्रह की चाल सही नहीं हो तो हमारी जिंदगी किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरती है, अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? आज देखिए मंगल जो है, बच्चे जो हैं आज अपना कैरेक्टर पसंद कर लेते हैं कि वो बड़े होके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, या बड़े होके बड़े क्रिमिनल बनेंगे। ये जो है उसी समय से आप देखेंगे जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये बीजारोपण जो है ये छात्र काल से ही हो जाता है। तो देखने योग्य और बात करने योग्य ये है मिश्रा जी कि जब कुंडली में और अगर ग्रह जो है हमारे मंगल हैं, क्योंकि मंगल ही मंगल करता है, आप देखते हैं कि मंगल खराब रहता है तो लोग मांगलिक रहता है, करने शादियां नहीं होती हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार अगर मंगल अच्छे रहते हैं तो आपको अधिकारी बनाएंगे। कैसे अधिकारी बनाएंगे? आपको क्लास वन के अधिकारी बनाएंगे। मंगल जिस स्थिति में रहेंगे वैसा भाव देंगे, लेकिन उसके लिए कौन से लग्न में है, कहाँ है, ये सब देखना जरूरी होगा। लेकिन ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे समझे कि आदमी के ऊपर कौन से ग्रह प्रभावी हैं? आप देखिए बच्चा पढ़ रहा है और उसको अच्छा करना चाहिए, लेकिन उसको गलत संगत हो गया है, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है, वो घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, परेशानी लेना शुरू कर देता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, और कुछ भी होता है वो टेलीविज़न हो या कोई भी बहुमूल्य चीज़ हो उसको तोड़ने में उसे समय नहीं लगता है, बाहर में जाके भी झंझट कर लेता है, या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी के साथ साथ केस मुकदमा हो जाता है और जिसमें मारपीट में हाथ पांव भी टूट जाते हैं। तो मंगल जब खराब रहते हैं और मंगल जब दूषित रहते हैं तो रक्त विकार देंगे, परेशानियाँ देंगे और कई प्रकार का कष्ट देंगे, जिससे केस मुकदमा के होने के योग हैं। आप देखेंगे जितने बड़े क्रिमिनल होते हैं उनके मंगल जो हैं वो दूषित होते हैं, मंगल राहु के साथ चले गए, मंगल केतु के साथ चले गए, तो मंगल जो उसको अधिकारी पुलिस अधिकारी बनाना था तो वो पुलिस से ज़्यादा काम करता है क्रिमिनल, उससे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको डिसकंस्ट्रक्ट करके उसका रास्ता जो दिग्भ्रमित करके और वो गलत जगह लेके चला जाता है। तो मंगल जो है हमारे कुंडली में खोजना है कि हमारे कुंडली में अगर मंगल दूषित है या हमारे क्रियाकलापों में भी ऐसा आ रहा है तो हमको मंगल ठीक करने की ज़रूरत है। तो मंगल ठीक हो जाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर शुरू कर देंगे। मतलब अगर मंगल खराब हो तो हमें क्रिमिनल बना सकता है, हमारे मतलब सही मकसद को ना करके वो गलत राहों पे ले जाता है। जी, जिस समय उसको पेड़ पकड़ना चाहिए उस समय उसे इच्छा होगी कि मैं गन रखना शुरू कर दें। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई के जगह पे गलत चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, दूसरे का मोबाइल चुरा लेते हैं, दूसरे का गन उठा लेते हैं, दूसरे के पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। तो ये सब जो क्रियाकलाप है ये बच्चों को, ये जो है साहसी कार्य जो मंगल के कारण होता है, क्रूर काम जो होता है मंगल के कारण होता है। और आप देखती हैं कि आजकल जी हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आरके सिंह आपका, क्या कुछ सवाल है आपके? जी नमस्कार मैडम जी, मैं डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1978 1:35 रात्रि जी, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी। मोतिहारी में कहाँ से? इसके बारे में जानना है मैडम। मोतिहारी में कहाँ से सर जी? मोतिहारी में चिंतावनपुर एक जगह है, चिंतावनपुर मोतिहारी में है ये? जी जी जी। अच्छा ठीक है, आप जो है महोदय 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक अंक बताएं। आरके सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 मैडम। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि आप कोई भी 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक अंक बताइए। 9 बताया मैं। त्रिपाठी जी इनका जवाब है 9। इनकी परेशानी कैसे दूर होगी, क्या कुछ उपाय इनकी परेशानी से इनको निजात दिला सकते? देखिए महोदय आपने जो 9 किया यहाँ डिवाइड करने के बाद
आपको जो है ये 6 आया है, ये बता रहा कि आपको कार्य सिद्धि होने के योग है, आपको लाभ मिलने का योग है, आप सकारात्मक प्रयास करें और अच्छे से शुक्रवार के दिन से आप माता रानी की पूजा पाठ करें, आप देखेंगे आपका काम जो है बनता हुआ नजर आएगा, आपके समय अच्छे आने वाले हैं जी। तो आज हमने बात की राशिफल की और मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव की, हम कल बात करेंगे कि आखिर अगर आपका मंगल खराब है तो मंगल ग्रह को ठीक कैसे किया जाए, किन किन उपायों से आप मंगल ग्रह को ठीक करके अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।